गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। एंड आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जंगल से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बगीचे, तो इस वजह से मुझे जंगल से ही ब्लॉग शुरू करना पड़ा। मैं घर से निकल गया था जल्दी, तो इस वजह से मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। और आपको दिखाऊंगा आज तेलगा बांगसार दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बांगसार, वहाँ पे मुझे काम है बगीचे में थोड़ा सा, तो उधर ही चलता हूँ आज और दिखाऊंगा आपको तेलगा कैसा कैसा क्या क्या सीन है। जाना पड़ता है हम लोगों को ऊपर को, यहाँ से हमारे बगीचे का रास्ता है ऊपर, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से बगीचे मिलने शुरू हो जाएंगे जब ये जंगल ख़त्म होगा। और मेरे साथ है राजू और गोलू, हम तीन जा रहे बगीचे को। हर बार की तरह एक हमारे साथ ये है हमारा साथी रॉकी। यहाँ से शुरू होता है बगीचे और यहाँ तक है जंगल, और बहुत दूर आना पड़ता है गाइज। यहाँ बांगसार कहते हैं यहाँ पे, ऊपर वाला तेलगा है ये, तो यहाँ के लिए बहुत दूर आना पड़ता है, कम से कम 45 से 50 मिनट के बीच लग जाते हैं यहाँ आने आने में और जाने में। और रोड की कोई सुविधा नहीं है गाइज, तो यहाँ से सेब पहुँचाना एक अपने आप में टास्क है। यहाँ से नीचे ले जाते हैं ना जैसे सेब, अपने बगीचे में, और मैं आपको दिखाता हूँ अपना बगीचा। और यहाँ पे तो बर्फ़ ही बहुत ज़्यादा है, ये देखो यहाँ से शुरू होता है गाइज हमारा बगीचा, परे 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 जाके। और अंकल लगे हुए कुछ काम करने। हाँ जी अंकल, कैसे हैं? और ये देखो गाइज हमारा बगीचा, ये इनके भेड़े हैं, और यहाँ से शुरू होता है और उधर बात। मैं दिखाता हूँ आपको अपना बगीचा कैसा कैसा है। और ये देखो, ये हमारे लिए कुत्ता टकरा हुआ है। और यहाँ है अंकल का घर, और उधर पीछे बनाया है गाय के लिए, और इधर से पूरा अपना ही एरिया है गाइस। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हाइट है, इस वजह से आप देख सकते हैं सामने की सारी चोटियाँ इस रेंज में दिखाई देती है, जितने की हम लोग अभी हाइट में खड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ना गाइस, गांव के कंपेयर करें गांव से तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, है ना गोलू? यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है गांव के मुकाबले तो। हाँ, यहाँ पे होगी 9000 फीट के अप्रॉक्स, है ना, 9000 फीट की हाइट तो होगी। आप देख सकते हैं, आइडिया लगाओ, सामने की चोटियाँ बिल्कुल नीचे कोई दिखती है यहाँ से। तो हम लोग का बगीचा यहाँ पे है, ये देखो। और यहाँ से ऊपर तक गाइज, ऊपर तक बगीचे ही बगीचे, और नीचे तक, और रोड की कोई भी सुविधा नहीं है। और ये वाला एरिया है खजदार वाला, जो आपको रोड दिख रहा होगा यहाँ पे पतला सा, ये खजदार वाला एरिया है। और ये खाबल वाला, और ये चढ़गांव वाली धार, उससे परे वाली रनसार वगैरह जो भी पड़ता है वो वाली वैलियाँ हैं। तो गाइज यहाँ पे ना, यहाँ पे एक तो रोड नहीं है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। और यहाँ पे ना हम लोगों को आने में बहुत टाइम लगता है, और हर चीज़ इतनी महंगी पड़ जाती है यहाँ लाते लाते। जैसे सेब यहाँ से नीचे उतारेंगे ना गाइज, तो हमें 70 से 80 रुपये पड़ जाता है पर क्रेट सेब का, वो भी रोड तक, वहाँ से दो अलग, फिर सेब का पैकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें अलग। ऐसी स्टोरी है गाइज यहाँ की। ये बांगसार बहुत ज़्यादा हाइट में। तो हम लोग अपने बगीचे से निकलने लगे, अब थोड़ी देर में यहाँ से ऊपर को जाएंगे। हम लोग घर से तो 3 ही लोग आए थे, यहाँ पे हम लोग जुड़ते जुड़ते हो गए 5 लोग। और यहाँ से मैं अपने बगीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको, इधर से इधर, इधर 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 इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। और हमें मिला रोहित यहाँ पे, और ये भी हमारे साथ जुड़ चुका है। और एक आ रहा है उधर पास से कहीं से, वो पता नहीं कब जैसे पहुंचेगा। और हमें मिल गए सेब, अब खाएंगे हम। यहाँ देखो गाइस कितना फ्रेश एप्पल है ये। और ये है गाय वाला घर, ये है अंकल वाला घर। यहाँ पे रहते हैं अंकल, यहाँ रहती है गाय और उनकी भेड़। और इतना ही है हमारा बगीचा। और हम लोग यहाँ से ऊपर को निकलेंगे, अब पता नहीं कहाँ ही जाएंगे ऊपर। बगीचे से आ गए थे ऊपर को और हम लोग यहाँ ऊपर पहुँचे। यहाँ से हम लोगों को डॉगी लेना था और यहाँ पे बेबी का बगीचा है, तो उसके साथ हम यहाँ तक आ गए थे। और यहाँ पे मैंने सुना था कि बहुत ही शानदार व्यू मिलता है, मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। हम लोग कितनी हाइट पे आए हुए हैं, चेक करो आप। ये देखो गाइस आगे जहाँ तक आप देखेंगे उधर आगे पहाड़ियाँ चोटियाँ सारे में नज़र आ जाएगी आपको। ये देखो चढ़गांव तक आपको सारी। और ये चेक करो गाइस, ये चेक करो चांशल भी यहाँ से इतना ऊपर हाइट में। हम लोग गाइस चांशल इतना नज़दीक दिखता है यहाँ से। मैं भी इन लोगों के पास जा रहा हूँ ऊपर को, क्योंकि ये लोग पहले निकल गए थे मुझसे, तो अभी मैं जा रहा हूँ। और आप देख रहे हो गाइस मेरे पीछे बर्फ़ कितनी है, यहाँ पे अभी बहुत बर्फ़ है गाइस। ये लोग भी मुझे मिल गए यहाँ पे। चले फिर यहाँ से ऊपर है कहीं बगीचे, अब तो इतने ही है ना? नहीं, इससे ऊपर लास्ट है ये जंगल। यहाँ से ऊपर जंगल शुरू हो जाता है गाइस, ये लास्ट है। यहाँ पे लास्ट तक, यहाँ पे लास्ट सेब होता है गाइस। यहाँ से ऊपर सेब नहीं होता है, यहाँ से ऊपर जंगल शुरू हो जाता है। यहाँ ख़त्म है बगीचे, यहीं तक के बगीचे सिर्फ। और हम लोग इतने टॉप में पहुँचे और यहाँ देखो आप कितनी बर्फ़ है। गांव में तो बर्फ़ ही नहीं है, यहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। और तो हमें इसे ले जाना है घर को। ये इधर रहती थी, इधर घर में आई होती थी यहाँ पे, और इन लोगों के साथ रहती थी। और इसने बच्चे इसके यहीं थे, तो अब इसको घर लेने आए हुए हम लोग यहाँ से। तो हम लोग अभी टॉप पे पहुँच चुके हैं, पूरा टॉप पे, जहाँ पे आधे से पीछे जंगल शुरू हो जाता है और आधे से आगे बगीचे शुरू हो जाते हैं। ये देखो यहाँ से जंगल शुरू, ख़त्म यहाँ से। और यहाँ से आगे बगीचे ही बगीचे, यहाँ से नीचे पूरा सनासू तक बगीचे ही बगीचे हैं। यहाँ से देखो क्या शानदार सी जगह पे घर बनाया हुआ है। काम हो चुका है और हम लोगों को लगी है बहुत प्यास, तो हम लोगों को यहाँ से निकलना है। और हम लोगों ने कुत्ता लेना था यहाँ से, वो हमने कुत्ती लेनी थी, तो हमने वो ले ली है। अब चल पड़े घर को वापस। पहुंच चुके जंगल में और अब घर को निकलना है, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए और भूख तो इतनी लग गई है पूछो मत। तो अब जल्दी जल्दी घर निकलते, लंच करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो मैं पहुंच गया था घर पे और मेरा लंच भी हो गया है। और अब मुझे थोड़ा सा काम है थोड़ी देर में, तो उसको निपटाता हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद जाएंगे अब घूमने। गाइस तो मैं आ गया था घूमने को इधर, और हर बारी की तरह पहला टास्क यहाँ पे आने के बाद लकड़ियाँ करो। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, अभी थोड़ी यहाँ पे धूप लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे लास्ट तक धूप होती है, तो इस वजह से अभी यहाँ पे धूप गई नहीं है। और 15-20 मिनट में धूप जाने वाली है, उसके बाद ठंड शुरू, तो इसलिए हमें अभी लकड़ियाँ ढूँढनी पड़ेगी। और मैं अभी जा रहा हूँ, बाकी लोग तो गए हैं लकड़ियाँ ढूँढने, तो करते हैं लकड़ियाँ ढूंढने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। हमने लकड़ियाँ ला ली है और आप देख सकते हैं यहाँ गोलू बैठा हुआ है। मैंने नहीं लाई है, वो मैंने लाई है, वो काके ने लाई है, गोलू ने कुछ भी नहीं लाया हुआ है। थोड़ा ला के आता है ये, फिर बोलता है मैंने लाई है। ये देखो गाइस हमारी मेहनत का फल आग होगा थोड़ी देर में ही। है और मैं आ गया हूँ सोने। और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।